हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी के एजेंसी का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है, तो इस समय सेकंड राउंड काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग डेट चल रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट वेबसाइट पे इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे पास कॉल भी कर रहे हैं। तो मैंने वेबसाइट पर चेक किया, आप भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, upsdc.bscnursingcounseling। ये आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो सेकंड वाली आपकी वेबसाइट है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस साइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो साइट ओपन होगी, ये नर्सिंग UPSDC की साइट जहाँ से आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे पेमेंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस और यहाँ पे सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की डेट है। तो आज डेट है, आज देख लीजिए, आज डेट है आपकी 28 नवंबर। 28 नवंबर को आपको क्या होना चाहिए था, काफ़ी स्टूडेंट चॉइस फिलिंग की वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि जो आप कॉलेज चूज करें वो आपका 28 से लेके था 28, 29, 30 तारीख तक था। 28 था, 29 था, 30 था। तो 28 तारीख को 11 बजे से शुरू होना था। तो अभी तो ऐसा कुछ अपडेट हुआ नहीं है कि चॉइस फिलिंग हो रही है। तो अभी चलिए देखते हैं वेबसाइट पे, आप देखिए DGME की वेबसाइट पे चलिए। जैसे ही DGME की वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे अभी न्यू नोटिफिकेशन देखिए, इसके आप DGME.UP पे आप सर्च कर सकते हैं। इस पर सर्च करने के बाद आप फर्स्ट देखिए इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि इसकी वेबसाइट DGME की साइट पर एक न्यू अपडेट हुआ है। न्यू अपडेट होने के बाद देखिए यहाँ नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पर जो व्यू ऑल है ना, इस पर क्लिक कर लिया करिए। क्लिक करने के बाद आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आपको दिखाई देगी। देखिए अभी ये न्यू अपडेट हुआ है, 28 तारीख आज अपडेट हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ये किसके है, ये नीट के बेसिस पे है। सेकंड वाले पे देखिए, ये नर्सिंग सिक्योरिटी फीस, ये देखिए नोटिस एक्सटेंड, डेट बढ़ा दी गई है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। या वो कौन सा कोर्स है, BSc नर्सिंग हो या पोस्ट BSc नर्सिंग हो या MSc नर्सिंग हो। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें इसमें लिखी गई है। जो लिखी गई है इसमें चीज़ें वही चीज़ हैं कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, काफ़ी दिन एक्सटेंड नहीं किया गया है, ओनली 1 डेज एक्सटेंड किया। देखिए ये 26 तारीख को ही न्यूज़ आ गई थी, लेकिन ये साइट पर लेट में अपडेट किया गया है। तो जो अपडेट किया गया है ये देख लीजिए, अपडेट इनका जो 26 तारीख को, लेकिन अपलोड किया गया है 28 तारीख को वेबसाइट पे। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश नर्सिंग के अंतर्गत BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, PhD नर्सिंग, MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम की द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण कराने की तिथि, जो काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण कराने की तिथि, जो आप रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि थी वो 27 तारीख तक कर दी गई है। तक यौन सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की दिनांक जो है वो पहले 27 तारीख थी, अब 28 तारीख कर दिया गया है। तो एक दिन ओनली बढ़ाया गया था। अद्यतन सूचनाएं एवं दिशा निर्देशों के लिए इस कार्यालय की वेबसाइट पर nursing.upsdc.government.in या फिर DGME की साइट पे अवलोकन करते रहें, मतलब नेक्स्ट अपडेट तक। तो अभी देखिए, अभी तो कंफर्म नहीं है कि इनका जो चॉइस फिलिंग होगा कब का डेट होगा। अभी जो डेट है 28 का ही है, तो अभी तो इसमें चॉइस फिलिंग का डेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट होता है आप लोग चेक करते रहिए, मैं तो चेक करता ही रहूँगा, आपको बताऊँगा ज़रूर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो अभी अगर पुरानी, अभी देखिए अभी कोई नोटिफिकेशन है नहीं, तो अगर पुरानी की बात करें कि अभी देखिए जो डेट इनके पास, तो अगर पुरानी डेट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, सिक्योरिटी ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 26 तक थी, जो कि 27 तारीख कर दी गई है। और ये देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट जो कि 28 तारीख से शुरू होना था, तो अभी तो ये कन्फर्म नहीं है कब से शुरू होगा। सिक्योरिटी की 27 तारीख 28 तारीख कर दिया गया है। तो अभी चॉइस फिलिंग का कोई अपडेट है नहीं। अभी देखिए जैसे ही साइट ओपन होती है आपको तुरंत बताया जाएगा। तो आप भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो मुझे सेंड कर सकते हैं, बता ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट, आपको जैसे ही अपडेट कुछ होता है आपको तुरंत बताया जाएगा। थैंक यू।